सो स्टूडेंट्स, अब आज हम क्या शुरू करेंगे? ठीक है, अभी हमने कंस्ट्रक्ट पढ़ा था, इफ डिसीजन मेकिंग में इफ का कंस्ट्रक्ट पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, इफ एल्स इफ पढ़ा। ठीक है, तो इफ एल्स का प्रोग्राम मैंने आपको बताया, इफ एल्स इफ बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इफ एल्स इफ के प्रोग्राम्स, जो इफ एल्स इफ के कंस्ट्रक्ट को यूज करके किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इफ एल्स इफ में देखिए पता है कि जब नंबर ऑफ कंडीशंस आ जाती है, नंबर ऑफ सिचुएशंस आपके सामने होती हैं, नंबर ऑफ एक से ज़्यादा जब आपके सामने जो है कंडीशंस अपीयर होती हैं, तब आप इफ एल्स इफ को यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के रखा है, ठीक है, कि शोरूम हैज अनाउंस्ड द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट। ठीक, अब जैसे आप किसी भी शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ भी परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई डिस्काउंट, आपने सुना होगा कई तरीके के डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सब यहीं पर हमने एक वही छोटा सा एक प्रोग्राम उठाया है। तो यहाँ पर आपको शोरूम ने एक डिस्काउंट प्रोवाइड करके रखा है, तो उस पर बेस्ड प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है कि जैसे अब टोटल कॉस्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, जितने की आपने परचेज करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे है, यहां पे लिया हमने टोटल कॉस्ट और यहां पे हमने लिया डिस्काउंट। ठीक, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गई टोटल कॉस्ट। तो देखिए बेटा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके, इफ एल्स इफ के। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपके आईसीएसई बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको गौर से देखिए। आप देखिए, जैसे अब आपके सामने रखा गया, आपसे कहा गया कि टोटल कॉस्ट, ठीक है, लेस आर इक्वल टू रुपीस 2000। ठीक है, जो आपने टोटल परचेज किया है, टोटल कॉस्ट लेस आर इक्वल टू रुपीस 2000। ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट है वो है 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। समझ में आ रही है, 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली सिचुएशन है आपके सामने। दूसरी कंडीशन आपके सामने है कि अगर टोटल कॉस्ट मोर देन रुपीज, मोर देन रुपीज 2000 एंड लेस आर इक्वल टू रुपीज 5000। ठीक है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो 2000 रुपए से ज्यादा है और 5000 रुपए तक है। ठीक है, तो आपको मिल रहा है कितना डिस्काउंट, 5.0% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, 5.0% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, उसके बाद टोटल कॉस्ट मोर देन रुपीज 5000 एंड टोटल कॉस्ट लेस आर इक्वल टू रुपीज 10000। ठीक है, तो आपको मिला है 7.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट मोर देन रुपीज कितना, 10000। ठीक है, तो आपको मिल रहा है 10.0% ऑफ टोटल कॉस्ट, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक शोरूम ने कुछ अनाउंस करके रखा है डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, हमारे पास चार कंडीशंस हैं, 1 2 3 4। ठीक,
तो कई सारी कंडीशंस हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जब नंबर ऑफ सिचुएशंस हमारे सामने ज्यादा होती हैं, तब हम इफ एल्स इफ का कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये जो लिखा है इसको किस तरीके से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे हम, तो इसको देखेंगे बेटा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसको यहां से हटा देते हैं, आप नोट कर लिया होगा ठीक है, और नहीं नोट किया है तो उसको थोड़ा सा पीछे करिए और नोट कर लीजिए ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा इफ एल्स इफ को लेकर। तो इस सिचुएशन को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के हम प्रोग्राम अपना बनाने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे। हमने क्लास बनाई सपोज फर्स्ट, ठीक है, क्लास क्या बना दी, फर्स्ट। अब क्लास फर्स्ट बनाने के बाद हमने फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक सपोज void, और हमने बनाया कैलकुलेट, क्या बनाया, कैलकुलेट ठीक है। आप फंक्शन बनाया, अब हम पैरामीटराइज्ड इनपुट ले लेते हैं। अच्छा आप देखिए यहां पर बात, यहां पर जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, वो बेस्ड है टोटल कॉस्ट के ऊपर। ये बहुत बारीक सी चीजें हैं, इनको ध्यान दीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ठीक है। यहां पर जो डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है वो किसके ऊपर बेस्ड है, टोटल कॉस्ट के ऊपर ठीक है ना। तो अब हम यहां पे क्या इनपुट होना चाहिए, यहां पे इनपुट करानी चाहिए टोटल कॉस्ट, क्या करानी चाहिए, टोटल कॉस्ट। तो चलिए हम यहां पर टोटल कॉस्ट इनपुट करा लेते हैं, एज अ पैरामीटराइज्ड इनपुट लेते हैं। तो हमने लिया फ्लोट और हमने एक वेरिएबल ले लिया टीसी, टीसी मींस टोटल कॉस्ट। देखिए बेटा, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो नेम ऑफ द वेरिएबल होगा दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि जब कभी आप उसको देखें तो आप उसको एनालाइज कर सके कि आपने वेरिएबल किस लिए लिया है ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। अच्छा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो हम एक वेरिएबल लेंगे डबल, डबल सपोज हमने ले लिया डी आई एस, डी आई एस फॉर द डिस्काउंट। डबल क्या हो गया, डेटा टाइप, और डी आई एस क्या हो गया, वेरिएबल नेम ठीक है। तो हमने डबल टाइप का वेरिएबल ले लिया डी आई एस ठीक है, हमने वेरिएबल लिया और साथ ही हमने इसको 0.0 से इनिशियलाइज भी कर दिया ठीक। आपको पता है कि जो डबल डेटा टाइप होता है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0.0, तो हमने 0.0 से इसको इनिशियलाइज भी कर दिया ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए हम इस तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे करते हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप देखो यहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट लेस आर इक्वल टू रुपीज 2000 ठीक है। तो देखिए छोटी सी बात है, जरा सा समझ लीजिए भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए हमने वेरिएबल क्या लेके रखा है, टीसी ठीक है। ये जो वेरिएबल हमने लिया है टीसी, ये जो टीसी वेरिएबल लिया है ये किसके लिए लिया है, टोटल कॉस्ट के लिए, किसके लिए, टोटल कॉस्ट के लिए ठीक है। आप देखो बेटा यहां पर क्या होगा कि यहां पे आप टीसी रख लीजिए बिफोर इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए बिफोर इंप्लीमेंटिंग द कोड फॉर द प्रॉब्लम ठीक है। आप थोड़ा सा रफ वर्क करिए, जब तक आप बिल्कुल फ्लुएंट प्रोग्रामर नहीं हो जाते हैं, आपके दिमाग में वह सारी चीजें नहीं आने लगती हैं। तो आपने टोटल कॉस्ट के लिए क्या रख लिया, टीसी फॉर द टोटल कॉस्ट। आप बेटा लेस, तो लेस के लिए आपका ये साइन हो गया, हो गया आर इक्वल, तो ये हो गया लेस आर इक्वल ठीक। तो देखिए अब इसको कैसे हम जो है इफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां हमने लिखा इफ, यहां पे हमने लिखा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट की जगह उसका वेरिएबल नेम आ जाएगा टीसी है ना, और इसके बाद लेस आर इक्वल टू, तो लेस आर इक्वल टू की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ये साइन यूज करेंगे ठीक है। तो लेस आर इक्वल का साइन यूज कर लिया,
2 रुपीज 2000, तो यहां पे हमने क्या दे दिया, 2000 दे दिया। ठीक, ये यहां पे क्या शुरू हो गई, बॉडी किसकी शुरू हो गई, एफ की बॉडी शुरू हो गई। आप देखो बेटा, इसका मतलब है टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट लेस आर इक्वल टू ₹2000। ठीक, ये कंडीशन जो आपने लगाई है ये कब ट्रू होगी, जब टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 से क्या होगी, लेस होगी या 2000 के इक्वल होगी। ठीक है, लेस होगी या 2000 के इक्वल होगी। चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, DIS डिस्काउंट किसमें कैलकुलेट करके स्टोर कराएंगे, DIS में। हमने ये वेरिएबल लिया है DIS, क्या स्टोर कराने के लिए, डिस्काउंट स्टोर कराने के लिए। तो DIS इक्वल, अब देखो बेटा कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 2000 की परचेज पर, 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, एलिमेंट्री मैथ्स तो सबने पढ़ के रखी है। ठीक, और मेरे हिसाब से आप सबको बढ़िया मैथ्स आती है। तो अगर आपसे कहा गया भाई, जैसे आपसे ये कहा गया कि मैथ्स में हमने आपको प्रॉब्लम दे दी, हमने आपसे कहा कैलकुलेट 2.5% ऑफ 2000, हमने आपसे कहा कैलकुलेट 2.5% ऑफ 2000, आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, अगर आपसे हम ये कैलकुलेट करने के लिए बोल दें तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा भाई अपना लगाओगे 2.5% साइन रिमूव होगा, अपॉन में 100 चला गया, इनटू 2000 भाई अपने फट से कैलकुलेट कर दिया, हो गया कैलकुलेशन 2.5% कैलकुलेट हो गया 2000 का। तो सेम है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसी को, ये जो चीज है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें, इस एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर दें, जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें। देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2.5, ठीक है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश अपॉन 100 इनटू 2000, 2000 नहीं लिखना है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, टीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट। ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेट हो रहा है 2.5% ऑफ टीसी, क्या कैलकुलेट हो रहा है, 2.5% ऑफ टीसी। इस तरीके से नहीं लिख दीजिएगा, बहुत बच्चे करते हैं गलती इस तरीके से इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, तो उसी को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको इतना जो है एलिबरेट करके इसको बता रहा हूं। आप इसको क्या लिखेंगे, 2.5 अपॉन 100 भाई 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट था, अब इस सिचुएशन के हिसाब से टोटल कॉस्ट 2000 रुपीज तक है, तो क्या हो गया 2.5 अपॉन 100, और टीसी जितनी भी आपने टोटल कॉस्ट, जितने का भी आपने सामान खरीदा होगा, हो सकता है सामान आपने 100 रुपए खरीदा हो, 500 रुपए का खरीदा हो, 600 रुपए का खरीदा हो, 800 रुपए का खरीदा हो, 900 रुपए का, 1500 रुपए का, 1600 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, जितने का आपने सामान लिया होगा उतनी ही इसकी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, है ना। ये हो गया, इसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये आपका इफ बंद हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अब इसके बाद अगली कंडीशन है हमारे पास, टोटल कॉस्ट मोर देन ₹2000 एंड लेस आर इक्वल टू ₹5000। बता दिया मैंने, टोटल कॉस्ट की जगह आप क्या पुट करेंगे, टीसी पुट करेंगे, टोटल कॉस्ट की जगह क्या पुट किएंगे, टीसी, मोर देन, तो मोर देन के लिए ये वाला साइन, मोर देन 2000, अच्छा एंड के लिए आपको पता है ये साइन लगता है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है आपका कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये लगा, और उसके बाद लेस आर इक्वल, यहां से यानी कि लेस आर इक्वल के लिए क्या यूज किया, ये वाला साइन यूज किया, तो रुपीज बन गई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनाना कोई बहुत टफ नहीं है, आराम से बनती है, देखिएगा इसको। अब देखिए हमने क्या लगाया, else if, अब else if में हमने क्या किया, else if में हमने किया कि TC यानी कि टोटल कॉस्ट
फिर मोर देन के लिए ये साइन लिया, मोर देन रुपीज 2000, तो ये 2000 हो गया, एंड एंड के लिए ये, ठीक है, एंड लेस आर इक्वल के लिए ये यूज कर लिया, ठीक है, लेस आर इक्वल टू रुपीज 5000। ये बन गई बेटा हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। अच्छा देखो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये वाली, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आपकी टोटल कॉस्ट 2000 से ज्यादा, मतलब देखो 2000 रुपीस तक, तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ये कहां से शुरू होगी, 2001 रुपीस से, और कहां तक जाएगी, 5000 रुपीस तक, कहां तक जाएगी, 5000 रुपीस तक ये जाएगी। तो इस केस में हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट अवेल हो रहा है, 5.0%, सेम एज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, DIS इक्वल्स टू 5.0 अपॉन 100 इनटू TC टोटल कॉस्ट, ये हो गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन लगानी है, अब अगली कंडीशन के लिए देखिए हमने क्या लगाया, अगला LCF लगाया, LCF, ठीक है। अब LCF में अगली कंडीशन देखिए आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट मोर देन 5000, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, TC हो गया, सेम एज, ठीक है। तो TC टोटल कॉस्ट मोर देन के लिए ग्रेटर देन साइन, मोर देन एंड के लिए ये लगाया, एंड लेस आर इक्वल्स टू रुपीज 10000। यहां पर गौर करिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, रुपीज के साथ में रुपीज का साइन लगा दिया, है ना, रुपीज के साथ में रुपीज का साइन लगा दिया, जैसे यहाँ पे ये रुपीज का साइन ऐसे लगा दिया, ना ये गलत है, ये नहीं लगेगा। या यहाँ पर जो है सेपरेटर्स यूज कर लेते हैं कि भैया 2000 हो गया ना, ये सब कॉमा वाइज सब नहीं लगाना, ये सब यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया, अब इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट है बेटा आपके पास 7.5% का, तो क्या हो गया, DIS इक्वल्स टू 7.5 अपॉन 100 इनटू TC टोटल कॉस्ट, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है। तो इधर चलते हैं, अब आपके पास जो है लास्ट कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है, हमने अगला LCF लगाया, LCF क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट मोर देन रुपीज 10000, मतलब जो आपने 10000 से ज्यादा की खरीद करी, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, TC, ठीक है, मोर देन के लिए ग्रेटर देन साइन आ गया और ये हो गया 10000, ठीक है। यहां तो आपको कितना डिस्काउंट अवेल हो रहा है, 10.0%, तो यहां पे DIS जो आपने वैल्यूएबल रखा है डिस्काउंट स्टोर कराने के लिए, DIS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10.0 अपॉन 100 इनटू TC, हो गया, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया। अब सपोज इसको हटा देते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है कि सपोज हमें जो है डिस्काउंट प्रिंट कराना है कि कितना डिस्काउंट जो है यूजर ने अवेल किया, तो हमने यहां पर इसके बाद system.out.println, ठीक है, parentheses, सपोज मैसेज पास कर दिया, DIS डिस्काउंट इक्वल किसको प्रिंट करा देंगे, DIS को, ठीक है, डिस्काउंट हमने उसमें स्टोर कराया है, तो उसको हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ये आपका फंक्शन बंद हो गया, ये आपकी क्लास बंद हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ, ये है एंड ऑफ फंक्शन, और ये है एंड ऑफ क्लास, ठीक। अब देखो बेटा हम आपसे बात, अब हम आपको ये प्रोग्राम समझाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। आपके पास क्वेश्चन नोट होगा, उस क्वेश्चन को अपने सामने रखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अब देखिए बेटा यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट यूजर से एंटर करा ली। अब टोटल कॉस्ट सपोज माने हम कि जो टोटल कॉस्ट है, सपोज टीसी की वैल्यू, मतलब आपने जो टोटल परचेज करी है, ठीक है, वो है 1500, ठीक है, कितनी है
1500, आपने 1500 रुपए की खरीदारी करी, ठीक। तो अब देखो बेटा क्या होगा, तो टीसी की वैल्यू क्या हो गई 1500, ठीक है। प्रोग्राम आगे बढ़ा, एक वेरिएबल डीआईएस जो है डबल टाइप का डिक्लेयर हो जाएगा, 0.0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ, टीसी इज लेस आर इक्वल्स टू ₹10,000। अब 2000, देखो बेटा ये जो कंडीशन लगी है, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्ट में कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसी एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है। कैसी एक्सप्रेशन है? बूलियन एक्सप्रेशन। आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं बेटा, देखो रिलेशनल ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होती है, लेस देन आर इक्वल्स टू किस तरह का ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? रिलेशनल। ये कैसा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। ये सारे कैसे ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। तो बेटा रिलेशनल ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन फॉर्म होती है वो एक्सप्रेशन कैसी होती है? बूलियन एक्सप्रेशन होती है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है टीसी इज लेस आर इक्वल टू ₹2000। बेटा ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब जो टोटल कॉस्ट टीसी की जो वैल्यू होगी अगर वो 2000 से लेस है या 2000 के इक्वल है। मतलब 2000 से लेस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और 2000 तक, ठीक। तो यहां पर देखो टीसी की वैल्यू क्या है, 1500। हमने क्या पास कर दी? 1500 पास कर दी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रू। अच्छा, कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल इसके अंदर चला जाएगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा। जब कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा तो देखो यहां पे क्या होगा, DIS इक्वल्स टू 2.5/100 इनटू टीसी, यानी कि जो टोटल कॉस्ट टीसी यूजर ने एंटर करी है उसका 2.5% कैलकुलेट होगा और किसमें स्टोर हो जाएगा, DIS में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्ट आपको पता है क्या होगा, इफ एल्स इफ के कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने के बाद रेस्ट ऑफ द जो कंडीशंस होती हैं वो इवैल्यूएट नहीं होती हैं, रेस्ट ऑफ द कंडीशंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, ठीक है, वो कंडीशंस इवैल्यूएट नहीं होंगी। तो जब वो कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होंगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्ट कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ की बॉडी के बाहर पहुंच जाएगा। तो इफ एल्स इफ की बॉडी के बाहर कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। जब यहां पे पहुंचा तो क्या लिखा हुआ, डिस्काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू DIS, यानी कि टर्मिनल विंडो पे आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू, अब जो भी 2.5% निकला होगा 2000 का, ठीक है, वो आपको यहां पे एज अ रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर कोई दूसरी वैल्यू यूजर ने पास कर दी, सपोज टीसी की वैल्यू जो है वो पास कर दी यूजर ने 7000, टीसी जो टोटल कॉस्ट है, मतलब आपकी जो टोटल परचेज है अगर वो 7000 है ना, 7000 है, तो आप देखिए बेटा क्या होगा कि जब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो पहली एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होगी, टीसी इज लेस आर इक्वल्स टू ₹2000, ठीक। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि जो टीसी की वैल्यू है वो क्या है, 7000, वो 2000 से लेस नहीं है और ना ही 2000 के इक्वल है, तो ये कंडीशन तो क्या होगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्ट कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा। अब ये जो दूसरी एक्सप्रेशन आपने लगा रखी है, ये वाली, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी। तो जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी बेटा, तो यहां पे लिखा हुआ है टीसी मोर देन ₹2000, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। देखिए ये जो आपने एलसीएफ में कंडीशन लगा के रखी है ये एंड ऑपरेटर के साथ लगी है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशन है, एक बूलियन एक्सप्रेशन ये है और एक बूलियन एक्सप्रेशन ये है, ये दो बूलियन एक्सप्रेशन है बेटा, है ना, एक बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास ये है और दूसरी बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास ये है, और इन दोनों बूलियन एक्सप्रेशन को आपने एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड इसके थ्रू क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है, ठीक है। दीज टू बूलियन एक्सप्रेशंस आर बाइंडेड बाय द लॉजिकल ऑपरेटर एंड। लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या कहता है कि व्हेनेवर द लॉजिकल ऑपरेटर एंड विल बी अप्लाइड, ठीक है, तो क्या होगा,
ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तभी ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है इसलिए हम आपको सिर्फ अभी इतना बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, टीसी मोर देन 2000, तो टीसी की वैल्यू क्या है, क्या 7000 है, तो वो मोर देन है, तो ये वाली बूलियन कंडीशन तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। लेकिन इसमें देखें टीसी इज लेस आर इक्वल्स टू रुपीज 5000 ना, ये वाली क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई लेकिन ये फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल रिजल्ट बेटा क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड एक्सप्रेशन पे। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन पे, इस वाली एक्सप्रेशन पे। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ गड़बड़ लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं। टीसी मोर देन रुपीज 5000 एंड टीसी इज लेस आर इक्वल्स टू रुपीज 10000, ये बना यहां पर। ठीक है, तो टीसी, आप देखिए टीसी की वैल्यू क्या है, 7000 है, टीसी की वैल्यू क्या है, 7000 है। तो बेटा जब टीसी की वैल्यू 7000 है तो पहली कंडीशन देखो, टीसी इज मोर देन रुपीज 5000, तो कंडीशन ट्रू, भाई टीसी की वैल्यू क्या है, मोर देन 5000 है। दूसरी कंडीशन क्या है, टीसी इज लेस आर इक्वल्स टू रुपीज 10000, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल इस वाले एलसीएफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। जब कंट्रोल इस वाले एलसीएफ ब्लॉक के अंदर पहुंचेगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, 7.5% ऑफ टीसी कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इवैल्यूएट होगी, नहीं इवैल्यूएट होगी। ठीक है, अब कंट्रोल कहां चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे, कहां चला गया, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अगर टीसी की वैल्यू कुछ और दे रखी है, सपोज 15000 दे रखी है, तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, फिर दूसरी टेस्ट होगी तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, फिर तीसरी टेस्ट होगी तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, फिर चौथी टेस्ट होगी तो ट्रू हो जाएगी। तो इस कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा और 10% जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा और वही आपको एज अ डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा एक पहला प्रोग्राम मैंने आपको छोटा सा बताया है। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिए, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखने के बाद इसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम आपके साथ दूसरे और प्रोग्राम्स के साथ आएंगे कि जो कि इफ एल्स इफ के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्ट है इफ एल्स इफ का, ठीक है, ये आईसीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है, इसको बहुत कायदे से पढ़िए, इट विल कैरी 15 मार्क्स। ठीक है, प्रोग्राम आएगा, ठीक है, प्रोग्राम जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और लगभग 15 मार्क्स का प्रोग्राम आपको पढ़ता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, देखने के बाद इसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ और प्रोग्राम्स के साथ और कुछ और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, सो गो थ्रू दिस, ओके।